हे एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री कीवर्ड्स सेशन नंबर 2 के साथ। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों तक मेरी आवाज़ सही पहुँच रही है? आप लोगों को वीडियो क्लियर नज़र आ रही है? प्लीज़ मुझे बताएं जिससे हम लोग आज के सेशन को बिना किसी देरी के शुरू कर सके। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग वैष्णवी, अभय, नारायण, साहिल, शिप्रा, सुविज्ञा, अभिषेक, तपस्या, प्रगति, सजल, लीला, हेलो। आई होप जो पिछला सेशन था वो आपके काम आया होगा, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम लोग कीवर्ड्स पढ़ते हैं ना तो हमारी रिवाइज भी हो जाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। गुड इवनिंग मदन, कल्पना, अभय एंड सौरभ, हाय। लेट एवरीवन ज्वाइन, सबको जुड़ने देते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे लोग लेट ज्वाइन करें, इंतज़ार कर लेते हैं, सबको जुड़ने देते हैं। हाय आशीष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग गरिमा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप में से आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को पिछली क्लास वाला कोट याद होगा, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ के आप खुद हीरो हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी लाइफ के लिए किसी और के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों, ज़रूरत नहीं है। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द पर्सन हु इज़ द सुपरमैन, हु इज़ द आयरन मैन, हु इज़ द थॉर ऑफ योर लाइफ। You have all the power, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अपनी सोच के दायरे में, अपनी दीवारों में बंद होकर ना आप अपने अंदर उस हीरो को ढूंढ पाओगे और ना ही अपने गोल तक पहुंच पाओगे। तो अगर आपको अपने अंदर का खुद का हीरो ढूंढना है, यू नीड टू ब्रेक दोज वॉल्स, यू नीड टू जस्ट ब्रेक दोज वॉल्स एंड मूव अहेड, बिकॉज यू आर ओनली कन्फाइंड बाई द वॉल्स यू हैव बिल्ड योरसेल्फ। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ूंगी ही नहीं, या मेरे को एंशियंट इंडिया नहीं पसंद है, मैं एंशियंट इंडिया बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं करके ही नहीं जाऊँगा एग्जामिनेशन। जब आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, आपके पास बस एक सिलेबस होता है, उसके अलावा जितना भी सिलेबस है, जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर सेम फॉर यू। आपको सबको इक्वली समझना है, इक्वली पढ़ना है। आप उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ूंगा, या मुझे शॉर्टकट मिल जाए कोई भी काम करने का, न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े। नो, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू नीड टू ब्रेक दोज वॉल्स जो खुद के आपके ब्रेन के अंदर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइज, यू ऑल नो वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल वाला ऑफर चल रहा है, 25% विद ऑप्शनल एंड 10% यूजिंग द रेफरल कोड। यहाँ पर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, 1-on-1 पर्सनल इंट्रैक्शन भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और महा सब्सक्रिप्शन ऑफर के लिए, मतलब अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक साल का आप प्लान ले रहे हो, पर एक साल का नहीं, हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं अगले साल के मेंस तक का,
वो आपको यूज़ करने के लिए यू नीड टू यूज़ द डिस्काउंट कोड दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ AMS लाइव। इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 2023 का जब मेंस एग्जामिनेशन होगा तब तक के लिए आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो वैलिड रहेगा, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ अन अकेडमी आप लोगों के लिए कॉम्बैट भी कराता है। हर संडे को आपका कॉम्बैट होता है, एवरी संडे। इसके लिए भी आपको जो कोड इस्तेमाल करना है जब आप कॉम्बैट में जाते हो, दैट इज़ AMS लाइव। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो। नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बैचेस को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। गाइज, यू कैन सी दे आर न्यू बैचेस, अमेजिंग बैचेस दे आर गोइंग ऑन, है ना। सो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन फॉर बैचेस ऑल्सो। तो कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, मतलब पिछले सेशन में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर अप करी थी। जैसे हम लोगों ने बुद्धिज़्म जैनिज़्म की सारी टर्म्स करी थी, है ना। हम लोगों ने वैदिक एज की टर्म्स करी थी। जिन लोगों ने फर्स्ट सेशन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे ही आप लोगों को मेरा फर्स्ट सेशन का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी को कवर किया था, ठीक है। और हम लोगों ने कवर किया था सतवाहनास को, ना सतवाहनास को हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। हम लोगों ने गुप्ता एम्पायर को कवर अप किया था। हाँ जी, PDF भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हम लोगों ने गुप्तास को कवर अप किया था। अब हमें यहाँ से करना था द टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेवाइड अंडर गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस थे जिनको लवाई किया जाता था, लेवी किया जाता था, लगाया जाता था, वो कौन कौन से टैक्सेस थे। तो हम लोग वो टैक्सेस अभी स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं आज की क्लास में, सबका स्वागत है। हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैक्स जिसको बोलते थे कल्पिता या उपकिलता भी कहते थे, ये टैक्स था असलियत में सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स, जैसे आजकल GST लगता है ना। सो कल्पिता या उपकिलता इज द सेल्स टैक्स और परचेज टैक्स। एक और था जिसको बोलते हैं हली वल्कर। हल, देखो वर्ड देखो, क्या समझा मैंने आपको कि वर्ड से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे वर्ड है हल, है ना, जिसे मतलब जिससे जोतते हैं जमीन को, जिसे हम लोग प्लगिंग कहते हैं। तो हलवक, हलविकार या हली दंदा, इसका मतलब होता है द टैक्स ऑन प्लगिंग। फिर होता है बलि। बलि क्या होता था? बलि एक एडिशनल टैक्स होता था, एक ऑपरेसिव टैक्स होता था लोगों के ऊपर। तो बलि का जो मतलब था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। बलि वॉज लाइक, जैसे आज की डेट में सरचार्ज लगाते हैं, सेस लगाते हैं, उसी तरीके से गुप्ता पीरियड के अंदर एक तरीके का टैक्स लगता था जिनको बोलते थे बलि। इट वॉज वन ऑफ द ऑपरेसिव टैक्स ऑन द पीपल, ठीक है। फिर एक टैक्स था जिसको बोलते थे हम लोग प्रताया। प्रताया वॉज अ टोल टैक्स। सो वट वॉज प्रताया? प्रताया वॉज टोल टैक्स। फिर होता था भोग। भोग का मतलब होता था राजा का शेयर। प्रोडक्शन के अंदर राजा का शेयर इज नोन एज द भोग, ठीक है। जनरल ट्रिब्यूट भी भोग होता था। अब भोग दे सकते हैं किसी भी प्रकार से, ना, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, यू कैन गिव इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फ्रूट्स। फिर होता था भत्ता। भत्ता जिसे कहते हैं, भत्ता इज द पुलिस टैक्स। भत्ता इज द पुलिस टैक्स। देन यू हैव छठ, दैट वॉज नोन एज सिक्योरिटी टैक्स। एंड यू हैव चरासना, जो चरना जिसे बोलते हैं, ग्रेजिंग टैक्स। याद रखना, चरासना इज द ग्रेजिंग टैक्स, ठीक है। तो चरासना इज द ग्रेजिंग टैक्स। इसके साथ साथ एक टैक्स होता था उसको बोलते हैं उदक का भाग। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, उदक का भाग इज इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज द वाटर टैक्स। हिरण्य एक स्पेशल टैक्स होता था जो कि स्पेशल प्रोडक्शन के ऊपर इन कैश लिया जाता था। उदा का भाग इज इम्पॉर्टेंट, वाटर टैक्स कहते थे हम लोग। एक और टैक्स था, दैट इज रज्जू। रज्जू क्या था? टैक्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड। जब जमीन की मेजरमेंट हो रही है उस समय पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, दैट इज नोन एज रज्जू।
ठीक है, देन यू हैव सर्ववृष्टि, इट वॉज अ फोर्स्ड टैक्स, एंड यू हैव वेदक भोग द इरीगेशन टैक्स, एंड उपार्निक, ये बॉर्डर एरिया से टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स बॉर्डर एरिया से लिया जाता था इट वॉज उपार्निक। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? यस रमन, यस, इट वॉज अ लेबर फोर्स टैक्स। चलो गाइस संगम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन इन संगम पीरियड। देखो साउथ इंडिया से ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आजकल, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा ये जो टैक्सेस एंड ऑल के जितने भी सवाल आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा हौले हौले चलो, ठीक है, हौले हौले चलेंगे। संगम पीरियड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? चलो, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस संगम पीरियड, यू ऑल नो चोला, चेरा, पांड्या और कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज भी हैं, जैसे कुडानड, करकनाड, कोगुनाड, विनाड, तो और भी अन्य छोटी छोटी डायनेस्टीज आती रही, बट चोला, चेरा, पांड्यास, दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द संगम पीरियड। नाउ संगम का क्या मतलब है? तो हमारा जो सबसे पहला शब्द है वो है दोस्तों संगम। संगम का मतलब होता है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी लिटरेरी फिगर्स हैं, जो कि पोएट्स हैं, या जिन भी लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी है, उन लोगों का समूह, उन लोगों की असेंबली को हम लोग संगम कहते थे, ठीक है? दैट इज नोन एज संगम। अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं देवालयम। टर्म है जिसका मतलब है देवालयम। देव कहां आते हैं? देव आएंगे मंदिरों में, टेम्पल में। सो देवालयम, टेम्पल। अब राजा को संगम पीरियड में कू, मोहनम, इरिवान, कुर्रावन, वेनदान भी कहा जाता था। उस समय पर जो टैक्स था उसको वरी कहते थे, VARI। वरी का मतलब होता था टैक्स, और जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करेगा ही विल बी नोन एज वरियार। तो टैक्स इज वरी और टैक्स कलेक्टर इज वरियार, ठीक है? लैंड टैक्स, जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग बोलते हैं कोरई। कोरई इज नोन एज द लैंड टैक्स। पुहार इज द हार्बर एरिया, पोर्ट एरिया जहां पे हार्बर किया जाता है वो। महारम इज द सुप्रीम कोर्ट। इरबू इज द ऑफरिंग टू द किंग, एंड एवे वॉज द इम्पीरियल कोर्ट। ध्यान से सुनो, कोरई देखो वरी मतलब टैक्स, वरियार मतलब द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द टैक्स, वरी टैक्स, वरियार मतलब टैक्स कलेक्टर। कोरई, कोरई मतलब लैंड टैक्स जो जमीन के ऊपर लगता है। पुहार, पी से पोर्ट, पी से पुहार, हार्बर एरिया। महारम, महारम मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट को बोलते थे अवई, तो अवई महारम। और जो राजा को ऑफरिंग दी जाती थी उसको बोलते थे इराबू, ठीक है? चलो, अब वहां पर सेक्रिफिशियल पोर्ट्स भी हुआ करते थे जिनको बोलते थे युपाज। वहां पे मिनिस्टेरियल काउंसिल थी, 5 लोगों की काउंसिल हुआ करती थी संगम पीरियड में, उसको हम लोग बोलते थे पंचवरम। नहीं लिखो मत, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दैट वॉज नोन एज पंचवरम, ठीक है? आर्मी को बोलते थे पैदई, पैदई मतलब वो पैदल चलते हैं। सेनापति को बोलते थे इनाडी,
और दूतार बोलते थे मैसेंजर को। ओरार का मतलब था स्पाइज, जो कि भेद रखते थे, ठीक है। अमईचार मतलब था मिनिस्टर। उस समय पर अगर शादी बिना किसी कस्टम के, बिना मम्मी पापा की परमिशन के, बिना पेरेंट की परमिशन के होती थी, उस तरीके की शादी को कलभू कहते थे। उस तरीके की शादी को क्या कहते थे? कलभू। और जो मैरिज विद पेरेंट्स परमिशन होती थी उसको हम लोग बोलते थे करपू। तो यू हैव टू थिंग्स, यू हैव करभू, यू हैव करपू, कलभू करपू। लव मैरिजेस को बोलते थे पिंच तिनाल। लव मैरिज वॉज नोन एज द पिंच तिनाल। मूविंग ऑन, जो एक बहुत बड़ा गांव होता था उसको बोलते थे पेरूर, और छोटे गांव को बोलते थे सिरूर। इसके साथ साथ इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर अनियार्स हंटर्स, बेलालार एग्रीकल्चरलिस्ट, और प्रोस्टिट्यूट्स इस कानी गई चार, ठीक है। यहाँ से थोड़े मुश्किल शब्द हैं, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। युपाज एनाडी ओरार, ठीक है। चलो गाइज, यहाँ से यूपीएससी काफ़ी सारे सवाल पिछले 5-6 सालों में एक एक सवाल चोला एम्पायर से ज़रूर आया, बिकॉज चोल किंगडम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स नेवल पावर, और हमारे देश के क्लोतेसा किंगडम है जिसने आउट ऑफ इंडिया भी अपनी जो सत्ता है उसको फैलाया था। इस कारण से चोला एम्पायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट एम्पायर हो जाता है हम लोगों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द चोला एम्पायर। ना यहाँ पर वेलाल, वेलाल कहते थे एग्रीकल्चरलिस्ट को। वेलाल किसे कहते थे? एग्रीकल्चरलिस्ट को हम लोग वेलाल कहते थे। उदान कुट्टम मतलब द हायर ऑफिसर्स, द आईएएस एंड ऑल। एंड यू हैव जीवितास, दैट इज नोन एज लैंड। जीवितास का मतलब होता है लैंड। गाइस वरियम का मतलब होता है वहां पर कमिटी, कमिटीज वर नोन एज वरियम। साल भोग, द टेन्योरर, द टेन्योर्स मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बड़े नगरों को मनी ग्रामम कहते थे। नाना देसीज का मतलब होता था मर्चेंट गिल्ड्स, और वलनजीवीर का मतलब भी यही होता था, वलनजीवीर का मतलब भी यही होता था चोल एम्पायर में। चोल एम्पायर में जो कि एक बहुत बड़ा गांव होता था, जो कि एक सिंगल यूनिट होती थी, उसको बोलते थे तनियोर। तनियोर वॉज लाइक अ लार्ज विलेज, अ बिग विलेज। उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था एज अ सिंगल यूनिट ओनली। देन यू हैव मंडलम, मंडल मतलब होता था एक प्रोविंस। वलंडू मतलब होता था एक डिस्ट्रिक्ट। नाडू मतलब होता था एक गांव, उसको कोट्टम भी कहते थे, ठीक है। यहां पर काइकोलार होते थे रॉयल ट्रूप्स, जिनको रेगुलर पे मिलती थी ट्रेजररी से। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, काइकोलर। काइकोलर ये क्या है? ये है रॉयल ट्रूप्स, जिनको लगातार पे मिल रही है फ्रॉम द ट्रेजरी, जिनको लगातार पे मिल रही है फ्रॉम द ट्रेजरी, उसको हम लोग बोलते थे काइकोलर। नाउ नट्टू पदई, दीज आर मिलिट्री मेंस, जिनको लोकल डिफेंस के लिए हायर किया जाता था, लोकल कंट्रोल के लिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उर। इससे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है
इसी कारण से उर इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज में भी यहाँ से सवाल आ जाते हैं उर से। उर है जनरल असेंबली ऑफ द विलेज, गांव की जनरल असेंबली को उर कहा जाता था। गांव की जो जनरल असेंबली होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग उर कहते थे, ठीक है। फिर होते थे जो उर के जो मेंबर होते थे, जो इस कमेटी के मेंबर होते थे, उनको बोलते थे गणम या शशांक गण, मतलब उच्च श्रेष्ठ गण। फिर महासभा भी होती थी जिनको अग्रहार कहते थे, द एडल्ट मेन इन द ब्राह्मण विलेज, जिनको बोलते थे अग्रहार। नो अग्रहार इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्या कहते थे उनको, उनको हम लोग बोलते थे अग्रहार। दीज वर द एडल्ट मेन इन ब्राह्मण विलेज जो कि हेड कर रहे हैं उस विलेज को। एंड वेरियास वर रिपोर्टर्स अपॉइंटेड बाई दी सभा, सभा इनको अपॉइंट करती थी। क्लियर, किसी को दिक्कत है जो मैंने नाम मार्क किए हैं उनमें, कोई दिक्कत? अग्रहार वर्दी एडल्ट मेन इन अ ब्राह्मण विलेज, देवर नोन एज अग्रहार, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस अंपायर इन साउथ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रोविंस को बोलते थे मंडल, मंडल के अंदर थे नाडू, नाडू के अंदर थे स्थला और उसके अंदर थे ग्राम, ठीक है। मंडल, नाडू, स्थल और ग्राम। वहां पे एक शब्द है जिसको बोलते हैं विप्रुलू। विप्रुलू कौन थे? विप्रुलू ब्राह्मण्स थे जो कि टीचिंग्स या प्रीस्ट का प्रोफेशन ले लेते थे, ठीक है। यहां पर एक और वर्ड है जिनको बोलते थे राजुलू या राजुवुरु। दीज वर एसोसिएटेड विद रूलिंग डायनेस्टी और ये रूलिंग डायनेस्टी को स्टेट और वॉरफेयर के मुद्दों पर असिस्ट करते थे, ठीक है। इसीलिए फिर वैश्यास वर दी मर्चेंट्स एंड शूद्रास वर मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट्स। नाउ वैश्यास को यहाँ पर माती करातुलू भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? माटी करातुलू। शूद्रास को नला वजाती वरु, नला वजाती वरु, ठीक है। ये दो और वर्ड्स हैं, राजुला जनरल एसोसिएट्स द रूलिंग डायनेस्टी, द रूलर्स एज वेल एज जनरल्स वर एक्चुअली शूद्रास बट कॉल्ड राचावरुज ऑन अकाउंट ऑफ देयर पोजीशंस। चलो फिर नायक कौन होता था? नायक होते थे गवर्नर जो कि प्रोविंस को हेड करते थे। सिस्ट वॉज अ काइंड ऑफ अ लैंड टैक्स। विजयनगर अंपायर में गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए जिनको बोला गया वराहास। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, दीज वर गोल्ड कॉइन्स, वराहास, VARAHAS। ये याद रखना है आपको, वराहास याद रखना, यू नीड टू रिमेंबर वराहास। क्लियर? चलो मूविंग ऑन गाइस, प्लीज टेलीग्राम मेंशन कर दीजिए। चलो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वजीर होते थे। दिल्ली सल्तनत में वजीर का मतलब है The चीफ मिनिस्टर, वजीर वर्दी चीफ मिनिस्टर। अरीज ए मुमालिक, मुमालिक, अरीज ए मुमालिक, the head of military department, the military chief। काजी, guys याद रखो ये शब्द आज भी इस्तेमाल होता है, काजी वाला। काजी इज द लीगल ऑफिसर जो कि शरीयत लॉ फॉलो करते थे और अगर कोई भी व्यक्ति शरीयत लॉ को ब्रेक करता था लॉ बुक्स के हिसाब से उसे पनिश करते थे।
तो वो पोजीशन किस व्यक्ति के हाथ में थी जिस व्यक्ति को काजी कहा जाता है, QAZI काजी, QAZI क्वाजी, ठीक है। क्लियर काजी। फिर एक होता था वाकिलदार, द कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउसहोल्ड। अब देखो ये भी मुमालिक है, ये भी मुमालिक है, पर ये अरीज है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये है बरीद ए मुमालिक, ही इज द हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी, ठीक है। फिर मजलिस ए आम, मजलिस ए आम मतलब काउंसिल, जो कि इंपॉर्टेंट अफेयर्स को लुक आफ्टर करती थी। सिमिलरली यू हैव दहीर ए मामलिक, जो कि हेड थे रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के। एक बारी पढ़ो, पढ़ो एक बारी। वजीर, अरीज ए मुमालिक मिलिट्री, काजी लीगल ऑफिसर, वकीले दार कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउसहोल्ड, बरीद ए मुमालिक हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी, अमीर ए मजलिस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स, मजलिस ए आम द काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स कंसल्टेड ऑन इम्पॉर्टेंट अफेयर्स, एंड दाहिर ए मुमालिक द हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। इसके साथ साथ सदर ओ सुदुर, जो कि रिलीजियस मैटर पे डील करते थे, क्या कहते हैं उनको, सदर ओ सुदुर। ऐसी थे सदर ए जहान, ये भी ऑफिसर इंचार्ज थे। आमिर ए दाद वॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाइब वजीर, नाइब वजीर, वजीर से छोटे नाइब, डिप्यूटी मिनिस्टर। काजी ए मुमालिक, नाउ काजी वॉज द लीगल ऑफिसर एंड काजी ए मुमालिक वॉज चीफ जस्टिस, याद रखना, ठीक है। आमिर ए बहार, ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट नेवल पोर्ट्स। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट हैं, बट दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनसे सवाल बन सकता है। फिर आमिर मतलब गवर्नर, मुक्ति या वली, जो कि कलेक्ट करते थे टैक्स को अपने इक्तास के अंदर, अपने एरिए के अंदर। क्लियर। इसके साथ साथ वाकुफ या नज़ीर, ऑफिस जो कि कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। साहिब दीवान, जो कि प्रोविंस को के अकाउंट्स को हैंडल करते थे। और शिकदार, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ लैंड मेजरिंग इन अ शिक, इन अ एरिया, दीज आर द स्मॉल एरियाज। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। चलो सिमिलरली दीवान ए रियासत अपील्स के डिपार्टमेंट थे, दीवाने अर्ज मिलिट्री, दीवाने बंदागान स्लेव्स, दीवाने कजाए मामलिक जस्टिस, दीवाने इश्तियाक मतलब वहाँ पर भी उस समय पर पेंशन का प्रावधान था, दीवाने मुस्तकराज एरियर्स, दीवाने खैरियत चैरिटी, दीवाने कोही एग्रीकल्चर, दीवाने वजीरियत फिनेंस। तो ये अलग अलग टाइप के दीवान्स भी थे, दीज वर दी हेड्स, दीज वर डिपार्टमेंट्स। दीवान रियास रिसालत अपील्स का डिपार्टमेंट, दीज वर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किए हुए थे, ठीक है। स्टेट फंक्शनरीज वर इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ से सवाल आता है, आमिल का मतलब होता है रिवेन्यू ऑफिसर, याद रखना, आमिल वॉज द रिवेन्यू ऑफिसर। चिहालगनी, चिहालगनी वॉज अ सिलेक्ट बॉडी ऑफ टर्किश नोबल्स, ओरिजिनली स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश एम्पायर। तो ये उनके सिलेक्टेड लोगों की बॉडी बॉडी थी, जिनको बोलते थे चिहालगनी। इक्तादार इज द गवर्नर, जो कि इक्ता का हेड है। ख्वाजा, ये याद रखो ये वाला, ख्वाजा आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, ख्वाजा मतलब ही इज द कीपर ऑफ अकाउंट्स, ये इंफॉर्मेशन भेजते थे सुल्तान को। द ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाय बलबन, याद रखना, बलबन ने एक ऑफिस बनाया था ख्वाजा का ऑफिस।
बलबन मेडेड मेडा ऑफिस, जिसको बोलते थे द ऑफिस ऑफ ख्वाजा, ठीक है। अब ये जो ऑफिस ऑफ ख्वाजा था, देवर कीपिंग अकाउंट्स, और ये इंफॉर्मेशन सेंड करते थे सुल्तान को। फिर कोतवाल भी हुआ करते थे द हेड ऑफ सिटी, मुफ्तीस हुआ करते थे, महातस्बिस हुआ करते थे, वली मतलब प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं ना, इन्हें ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, इन्हें टैक्सेस हैं। फवाजिल, इसका क्या मतलब है फवाजिल? ये था कि सैलरी के बाद भी कुछ लोगों को एक सरप्लस रेवेन्यू दिया जाता था, सरप्लस पैसा दिया जाता था, ठीक है। ये किस लिए होता था? ट्रूब्स के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, उसे बोलते थे फवाजिल। नो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उश्र, दिस इज इंपॉर्टेंट, उश्र इज इंपॉर्टेंट। उश्र क्या है? लैंड टैक्स है, दिस इज अ लैंड टैक्स। उश्री वॉज दी लैंड, और उश्री के ऊपर लगाया जाता था एक लैंड टैक्स जिसे बोलते थे उश्र, USHR, ठीक है। जकात लगाया जाता था, गाइस व्हाट इज जकात? जकात वाज अ रिलीजियस टैक्स, दिस वाज पेड बाय मुस्लिम्स एज अ चैरिटी फॉर वेलफेयर ऑफ देयर को रिलीजियसनेस। याद रखना, जकात किसके ऊपर लगाया जाता था? दिस टैक्स वाज पेड बाय मुस्लिम्स। दिल्ली सल्तनत के अंदर मुस्लिम्स एक टैक्स पे करते थे, दिस वाज अ रिलीजियस टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स एज अ चैरिटी, जिससे जो उनके को रिलीजियंस हैं, चाहे उस समय पर जो अन्य धर्म थे, उनके वेलफेयर के लिए एक टैक्स कलेक्ट किया जाता था जिसको बोलते थे जकत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, इस टैक्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये जरूरी है, इसे बोलते हैं जकत। एक और टैक्स है इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं जिजिया, दिस वॉज अ टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको बोलते थे जिजिया। तो जिजिया का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से आया है, जकत का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से आया है, उश्र का जो कॉन्सेप्ट है वो दिल्ली सल्तनत से आया है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लीन एंड क्लियर? जल्दी बताओ, वैसे बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा, बताना तो आपको पड़ेगा कि क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है? गुड। चलो, अब एक टैक्स होता था जो घर के ऊपर लगता था, हाउस टैक्स, घरी, देखो नाम से पता लगा है, घर के ऊपर टैक्स, घरी, घर के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज नोन एज घरी। फिर कैटल के ऊपर भी टैक्स लगता था, गाय वगैरह के ऊपर, उनको जब चराने जाते थे उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, उसको चरज, दैट्स टैक्स इज नोन एज चरज। चरज था कैटल के ऊपर और खरज था लैंड के ऊपर, ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, इसे खराज ए जिजिया कहते थे या इसको माल कहते थे, क्योंकि जमीन को बोलते थे खरजी, जमीन को बोलते थे खरजी, दिस वॉज अ लैंड रिवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स एक तरीके का लैंड रिवेन्यू लिया जाता था दिल्ली सल्तनत में, जिसको बोलते थे खरज। और छरज वॉज दी टैक्स ऑन कैटल्स, कैटल्स की ग्रेजिंग के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। फिर एक टैक्स है बिस्वा, ये एक मेजर था एरिया का, आज भी होता है, 1/20 ऑफ बीगा, ठीक है, 1/20 ऑफ बीगा। चलो, खलीसा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खलीसा इज इंपॉर्टेंट, दिस वॉज द एरिया जिसका रिवेन्यू रिजर्व किया जाता था सुल्तान की ट्रेजरी के लिए, इसको बांटा नहीं जाता था, याद रखो, खलीसा
वॉज द एरिया जिसका पूरा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए, उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। और वहां पर पीजेंट्स को लोन देते थे जिसको बोलते थे हम लोग सोनधार। क्लियर है? देखो ये दोनों जो ये पेज करे हैं ना हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फवासिल वॉज सरप्लस रेवेन्यू, उश्र वॉज लैंड टैक्स, खम्स वॉज बूटी दैट वॉज कैप्चर्ड, जकत वॉज रिलीजियस टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स, जिजिया नॉन मुस्लिम्स टैक्स पे करते थे अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, घरी वॉज हाउस टैक्स, छरज वॉज कैटल टैक्स, खरज वॉज द टैक्स जो कि लेवाई किया जाता था नॉन मुस्लिम्स की ज़मीन पे, जिसको खरेजी कहते थे। बिस्वा एक तरीके का मेजर है। खलीशा इज इम्पॉर्टेंट, वो ज़मीन वो जगह जिसका पूरा रेवेन्यू सुल्तान अपने ही रखते थे कि इस जगह का पूरा जो रेवेन्यू है उसको मैं लूँगा, उसको मैं ऑक्यूपाई करूँगा। फिर आया सोनधार। सोनधार वॉज अ लोन, इट वॉज अ लोन गिवन टू द पीजेंट्स, इट वॉज अ लोन गिवन टू द पीजेंट्स। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुगल्स के बारे में, मुगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के मुगल्स के कीवर्ड समझ लेते हैं। ना मुगल्स के जो कीवर्ड्स हैं ना वो आपने अभी भी सुने हैं, जैसे वजीर। एवरीवन नो हु इज वजीर ना, चेस वगैरह सब लोगों ने आज तक कभी ना कभी तो खेला ही। बट असलियत में वहां पर वजीर वॉज द हेड ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। ना दीवान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब दीवान के पास कंट्रोल था खलीसा का और जागीर का, खलीसा का और जागीर का। अब आपको मुझे जल्दी से ये बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड खलीसा। बताओ जल्दी से बताओ, खलीसा का क्या मतलब है? रिजर्व्ड फॉर स्टेट, यस, स्टेट ट्रेजरी के लिए रिजर्व। ना मीर बख्शी, ही हेडेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर समान जो कारखाने थे उसके हेड थे ये। सदर उस सदर, चैरिटेबल रिलीजियस एंडोमेंट। मुहातिस काजी अल कजत, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट, पब्लिक मोरल, सेंसर फॉर पब्लिक मोरल। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों। फिर यहाँ पर मुशरीफ ए मुमालिक थे अकाउंटेंट जनरल, मुस्ताफ ए मुबालिक द ऑडिटर जनरल। तो अकाउंटेंट और ऑडिटर हमेशा अलग से होते थे। वाकिया नवेस वर न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये देखो उस समय पे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी थे, उसको बोलते थे वाकिया नवेस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब सा इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाकिया नवेस दे वर द न्यूज़ रिपोर्टर्स। वहाँ पर क्या होता था, सिपा सलार होते थे हेड एग्जीक्यूटिव, दीवान होते थे रिवेन्यू, बख्शी होते थे मिलिट्री, और सदर होता था जुडिशियल। ये याद रखो, सदर मतलब होता था जुडिशियल, बख्शी मिलिट्री, दीवान रिवेन्यू, सिपा सलार हेड एग्जीक्यूटिव, सिपा सलार हेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर बाकी सब चीज़ आपको पता है। विलेजेस भी इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स और उनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे वजरत रिवेन्यू और फिनेंस, अर्ज मिलिट्री, रुसालत मुहतासिब फॉरेन अफेयर्स, इंशा गवर्नमेंट पेपर्स, कुजा जस्टिस, बरीद इंटेलिजेंस, समन डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। क्लियर है? क्लियर है? वहां पर हम लोग एक सिस्टम भी चलाते थे मुगल एरा में, जिसको हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते थे। वहां से जगह जगह का नाम है ना मनसब, यहीं से ही आया था मनसबदारी सिस्टम। मनसब मतलब
एक रैंक होती थी, पोजीशन होती थी मुगल के मिलिट्री ऑफिसर की, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो वर्ड और मैं आपको समझा देता हूँ, रुक जाओ, एक ये वर्ड और समझा देता हूँ। देखो वहां पर एक चीज होती, इसको बोलते थे जात। दिस वॉज अ रैंक जो वहां पर मनसबदार थे उनके उनके जात के हिसाब से रिवेन्यू मिलता था और उसी के हिसाब से उनकी इनकम होती थी, ठीक है। कितने उसकी जात है उस हिसाब से। चलो गाइस, मराठा अंपायर हमारे सेशन का ये आखिरी फेज है, ठीक है, ये आखिरी फेज है हमारे सेशन का, जिसको हम बोलते हैं मराठा अंपायर समझेंगे। तो चलिए, मराठा अंपायर में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, याद रखना, मराठा अंपायर में अष्ट प्रधारी हुआ करते थे जो कि थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रोविंसेस के हेड को ममलतादार कहते थे और देश पांडे या पाटिल जो हुआ करते थे देवर दी चीफ ऑफ विलेज, एक गांव के चीफ को देश पांडे या पाटिल कहा करते थे, जो भी उस गांव का चीफ हुआ करता था। और जो प्रोविंस का हेड हुआ करता था उसको बोलते थे प्रांतपति। क्या बोलते थे? प्रांतपति। अब वहां पर दो इंपॉर्टेंट टैक्स लगाए जाते थे, एक टैक्स था चौथ, दूसरा टैक्स था सरदेशमुखी। नाउ व्हाट वाज चौथ, ध्यान से सुनो, दिस चौथ वाज लेवाइड बाय शिवाजी, उन रीजन्स पे लगाया जाता था जो कि किंगडम के अंदर नहीं आते थे, एलियन किंगडम थे। इट वाज 1/4 ऑफ द टैक्स दैट वाज गिवन बाय द पीपल टू द डेक्कन और द मुगल किंगडम। अब देखो उस समय पर कुछ इलाके हैं जो कि डेक्कन के अंदर हैं या वो इलाके मुगल्स के अंदर हैं। अब वो मुगल्स को मान लो 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो अगर वो मुगल्स को 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो उसका 1/4 मतलब 25 रुपीज़ उनको एज अ प्रोटेक्शन चौथ के रूप में देना पड़ेगा मराठा अंपायर को, उसको बोलते थे चौथ। सरदेशमुखी क्या होता था? सरदेशमुखी का मतलब होता था जो 1/10 है लैंड रिवेन्यू का। इट वॉज इम्पोज ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विलेज और टाउन एज मार्क ऑफ देयर रिकॉग्निशन ऑफ द मराठा किंग एज देयर सरदेशमुख। मराठा किंग को ये मानते हुए कि वो हमारे सरदेशमुख हैं, वो हमारे हेड हैं, उनको 1/10 ऑफ देयर लैंड रिवेन्यू दिया जाता था। दिस वॉज 1/4 ऑफ द टोटल रिवेन्यू जो कि आप पे कर रहे हो अपने डेक्कन के सरदार को या मुगल्स को, उसका 1/4 आपको मराठास को पे करना पड़ेगा एज अ प्रोटेक्शन। और सरदेशमुखी मतलब आप सरदेशमुख मान रहे हो मराठास को, इसीलिए आप 1/10 ऑफ योर रिवेन्यू दे रहे, ठीक है, क्लियर। फिर पेशवा हुआ करते थे, पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके साथ साथ न्यायाधीश, जुडिशियरी, सचिव, पंडित राव हुआ करते थे, रिलीजियस ऑफिसर्स। बर्गिस कौन थे? बर्गिस वर दी हॉर्समैन जिनको पे किया जाता था, दीज वर हॉर्समैन। फिर सिल्हादार हुआ करते थे और बाकी सारे ऑडिटर वगैरह हुए करते थे, जैसे चितनीस, फदनिस, मुजामदार, जामदार, पोतनिस और दफ्तरदार। दफ्तरदार मतलब चीफ ऑफिशियल जो कि रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, ही इज द रिकॉर्ड कीपर, क्लियर, क्लियर। चलो तो ये वाला जो हमारा सेशन था इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का, दीज वर ऑल दी थिंग्स जो कि इसके अंदर कवर होने थे। दो पार्ट में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कवर कर लिए, एंड आई होप ये जो दोनों सेशन है ये आपके बहुत काम आएंगे, आपके रिवीजन में भी और आपके एग्जामिनेशन में भी। किसी को कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा कीवर्ड्स आपसे पूछे नहीं जाते और उसमें कोई ऐसा कीवर्ड है नहीं जो आपकी नेचुरल जनरल लाइफ में आपके यूज़ ना होता। नीलम,
चलिए, जिसने पार्ट वन नहीं देखा हो वो पार्ट वन भी ज़रूर देखे। आप लोगों से मिलूंगा मैं आज रात को 10 बजे, जहां हमारी स्पेशल क्लास है। टॉपिक साथ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के लिए बता दिए गए हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।